और चलिए एक और अहम खबर का रुख करते हैं। बिहार में लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, सब्जी के दामों को लेकर एनडीए सरकार को घेरा। अलग अंदाज में सब्जियों के दाम का जिक्र कर बोला हमला। लालू यादव ने शेयर किया प्याज आलू और टमाटर के दाम। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महंगाई को मुद्दा बनाया है। सब्जी को लेकर एनडीए सरकार को घेरा है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को जमकर घेरा है। लालू यादव ने प्याज आलू और टमाटर के दाम शेयर किए हैं, तो आरजेडी सुप्रीमो महंगाई वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अंदाज में सब्जियों के दामों का जिक्र कर उन्होंने हमला बोला है। तो लालू यादव ने यहां पर शेयर किया है और महंगाई को मुद्दा बनाया है। दरअसल लगातार सब्जियों की महंगाई और आसपास बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए अब बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी महंगाई को मुद्दा बना रही है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां पर इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने कहा है कि प्याज 60 रुपए किलो है, आलू 50 रुपए किलो हो गया है, लौकी का दाम 65 रुपए किलो हो गए हैं, परवल 75 रुपए किलो है, भिंडी की बात करें तो 65 रुपए किलो है और टमाटर 140 रुपए किलो हो गया है। क्या कोई सब्जी 50 रुपए किलो से कम है? ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पूछा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बिहार में महंगाई मुद्दा बनता जा रहा है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महंगाई को सामने रखते हुए बिहार की सरकार को जमकर घेरा है। तो महंगाई जो है वो बिहार में अब दिख रही है, सब्जियों की महंगाई हो रही है, जिसको लेकर के अब लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, क्या आपके यहां भी प्याज 60 रुपए किलो है, आलू 50 रुपए किलो है, लौकी 65 रुपए किलो है, परवल 75 रुपए किलो है, भिंडी 65 रुपए किलो है और टमाटर 140 रुपए किलो है, क्या कोई सब्जी 50 रुपए किलो से कम है? तो महंगाई अपने चरम पर है, लगातार जो है महंगाई ऊपर जाता नजर आ रहा है, जिसके बाद से अब बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकार को घेरा है। सब्जी के दाम को लेकर एनडीए सरकार को घेरा है, उन्होंने अलग अलग अंदाज में सब्जियों के दामों का जिक्र कर मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। सब्जियों के दाम को लेकर एनडीए सरकार को जमकर घेरा है।